अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 जून 2020 की, हम बड़ी अपडेट्स को देखने वाले हैं। और सबसे पहले बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज में 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े के आरोप में पकड़े गए। दोस्तों आरोपी डॉक्टर पटेल का व्यापक घोटाले में भी आया था नाम। और दोस्त एक और इस समय की बड़ी अपडेट आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों पैसे लेकर अभ्यर्थी को पास कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है। और इस समय की दोस्तों बड़ी अपडेट है कि 8 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट्स को जरा भी आपको हम दिखाने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है उत्तर प्रदेश की। दोस्तों सबसे बड़ी खबर 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में पुलिस ने 8 लोगों को किया है गिरफ्तार। तो दोस्तों इस पूरी अपडेट्स को हम आपको बताने वाले हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में मतलब अब ये कंफर्म हो चुका है कि परीक्षा में धांधली हुई थी और लोग अब गिरफ्तार भी होने शुरू हो चुके हैं। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों 142 प्रश्नों पर आई थी 20,000 आपत्तियां। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट का आदेश हुआ है। आपको पता है ना UGC के पास दोस्तों कितने क्वेश्चन भेजे जाएंगे, जो भी मतलब ऑब्जेक्शन किए गए थे सभी प्रश्नों को भेजना है। तो मतलब यार 142 क्वेश्चन को भेजा जाएगा आप UGC के पास। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 69,000 शिक्षक भर्ती में लगाया धांधली का आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस एक बड़ी विपक्षी पार्टी जिसने दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लगाया। तो सिंपल सी बात है, अभी तक सभी छात्र भी ऐसा कह रहे थे, लेकिन अब आप देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर कोई बड़ी पार्टी 69,000 भर्ती को लेकर टारगेट करेगी तो हो सकता है कि सरकार भी इस पर काम ज़्यादा अच्छे से करे। और 69,000 शिक्षक भर्ती में अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में गलत फॉर्म भरने वालों को राहत नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने फॉर्म भरते समय गलती की तो उनको राहत नहीं दी गई। कोर्ट ने कहा यह मानवीय भूल नहीं है, जानबूझकर की गई हैं गलतियां। तो वैसे सबको ये बात पता होगी कि जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं वो साइबर कैफे से भराए जाते हैं, ठीक है। फिलहाल दोस्तों जो कोर्ट ने कहा वो आपके सामने है। उसके बाद हर परीक्षा में प्रश्न और उसके उत्तर पर उठते हैं सवाल। शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षाओं पर विवादों के बाद भी भर्ती संस्थाओं ने नहीं उठाया जरूरी कदम। जी हाँ दोस्तों, भी आपने देखा होगा UPTET 2019 पर भी क्वेश्चन उठा, UPTET 2018 पर प्रश्न उठा, तो हर बार शिक्षक भर्ती पर। तो मतलब ऐसे प्रश्नों को पेपर में देना चाहिए जिस पर किसी भी प्रकार के कोई ऑब्जेक्शन ना हो सके। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है, कसौटी पर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी परीक्षा है, हो सकते हैं बड़े बदलाव। UGC के विशेषज्ञ जांचेंगे 150 में से 142 सवाल के उत्तर। जी हाँ दोस्तों, 142 क्वेश्चन के आंसर जांचना, मतलब आप समझ रहे हैं। अब आपके मन में एक ही सवाल उठेगा, क्या 142 प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिल सकते हैं? ठीक है, बात तो बड़ी है लेकिन दोस्तों सही बात है। और एक और अपडेट अब आपको देंगे, 69,000 परीक्षा के प्रश्नों के समान अंक पर असमंजस पैदा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा ना सबको 3-3 नंबर कॉमन दिया गया था। अब दोस्तों UGC के पास ये मामला जा चुका है, तो क्या दोस्तों ये 3 नंबर कॉमन रहेगा या हटेगा, इसको देखेंगे। उसके बाद सरकार द्वारा दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती रोक के खिलाफ विशेष अपील हाईकोर्ट में दाखिल हो चुकी है। तो बड़ी खुशखबरी है उन छात्रों के लिए जिनको मतलब नियुक्ति पत्र या जिसको हम कह सकते हैं कि जिनका जिला आवंटन हो चुका था, उनके लिए एक अच्छी खबर है, राहत की खबर है। तो अब दोस्तों एक एक करके हम सारी अपडेट्स आपको बताने वाले हैं। फिलहाल सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे शिक्षक भर्ती में दोस्तों कौन सा ऐसा गिरोह है जो पैसे लेकर छात्रों को पास करा रहा था और नौकरियां बांट रहा था। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन दिख रही है उसको हल्का सा टच कर दीजिए। और इस वीडियो को जी हाँ दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, ट्विटर पर, जहाँ पर भी दोस्तों शेयर कर सके करिएगा, ताकि दोस्तों आपकी आवाज़ और भी बुलंद हो सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों इस अपडेट्स को। 69,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए ठेका लेने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने गुरुवार को खुलासा किया है। पुलिस के मुखबिर की सूचना पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 7,56,000 रुपये, अभ्यर्थियों की मार्कशीट, सहायक अध्यापक संबंधी दस्तावेज, एक डायरी जिसमें अभ्यर्थियों के रोल नंबर और स्टेशन नंबर लिखा है। पकड़े गए आरोपियों में से यहाँ पर दोस्तों कुछ एजेंट है जो शिक्षक भर्ती का परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों से वसूली करके मतलब जा रहे थे। इस रैकेट के मुख्य आरोपी फूलपुर के पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर KL पटेल बताए जा रहे हैं, जिनके 4 कॉलेज हैं। पुलिस उनको हिरासत में लेकर पूछताछ भी दोस्तों कर रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए राहुल नामक
एक अभ्यर्थी ने एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज से शिकायत की थी। एसएसपी ने राहुल की शिकायत पर गुरुवार रात सोराव थाने में रुद्रपति दुबे, शशि प्रकाश सरोज, हरिकृष्ण सरोज, कमल पटेल, तो दोस्तों यहाँ कुछ आप नाम देख रहे हैं ठीक है ना, इनके खिलाफ दोस्त FIR दर्ज कराई गई। और इन लोगों ने सहायक शिक्षा भर्ती में पास कराने के लिए लगभग 7.5 लाख रुपए लिया था ठीक है ना, 7.5 लाख रुपए। लेकिन जब रिजल्ट दोस्तों आया तो उनका नाम ही नहीं था। इस प्रकरण में कार्रवाई करते हुए सोराव पुलिस ने गुरुवार रात ठीक है ना SUV गाड़ी से भाग रहे 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों ने शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए 5 से लेकर 7 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी का ठेका लिया था। इसके लिए कुछ लोगों को आंसर सीट मुहैया कराई गई थी। परीक्षा केंद्र में आंसर सीट ले जाने के लिए एक विशेष रुमाल प्रिंट कराए जिसमें कोडिंग के थ्रू आंसर टिक किए गए। शुरुआत में अभ्यर्थियों ने 1-1 लाख रुपए एडवांस दिया था, बाकी दोस्तों पैसा परिणाम आने के बाद देना था। बताया जा रहा था कि सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम आने के बाद एजेंटों के माध्यम से अभ्यर्थियों से वसूली शुरू हो गई थी। इन लोगों ने सभी कैंडिडेट के ओरिजिनल मार्कशीट व अन्य डॉक्यूमेंट्स जमा करा लिए थे। पैसा देने के बाद वे उसे प्रयागराज समेत विभिन्न जिलों में करीब 20 अभ्यर्थियों से इन्हें रुपए लेने थे। गुरुवार को बलवंत नामक एक युवक समेत कुछ अभ्यर्थियों से लगभग 7,56,000 रुपए वसूली करके आरोपी जा रहे थे, जहां रास्ते में पुलिस ने उनको पकड़ लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ का देर रात तक पुलिस ने मतलब 2 अन्य लोगों को भी पकड़ लिया। सोराव पुलिस ने बताया कि नामजद आरोपी मायापति दुबे को छोड़ अन्य सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। तो सहायक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इनके पास से दोस्तों लग्जरी गाड़ियां, भारी मात्रा में धनराशि और फर्जी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो ये दोस्तों समय की सबसे बड़ी अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती में। देखिए आप देखते होंगे 140 नंबर, 135 नंबर, 130 नंबर, 120 नंबर, मतलब इस बार दोस्तों इतनी आसानी से सभी छात्रों को मिल गए कि जैसे लगे नहीं रहा था सुपर टेट का पेपर है। यूपी टेट का पेपर होता तो दोस्तों 82-90 नंबर लाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे 130-140, मतलब जैसे नहीं होता कि नंबर बट रहे थे फ्री के। अब कैसे आए उसके बाद एक और अपडेट को हम देखेंगे। तो भर्ती संस्था ने विशेषज्ञों की राय पर 203 प्रश्नों में से सभी अभ्यर्थियों को समान अंक दिया था। याद होगा 203 नंबर कॉमन मिला था जब संशोधित उत्तर माला जारी की गई थी। अब देखिए सवाल होता है कि अब जांच होने से मतलब उस पर भी मंजस बना है। यही नहीं, सवालों पर आपत्ति करने वालों अभ्यर्थी 54 प्रश्नों पर परीक्षा संस्था के जवाब से सहमत थे, फिर भी उन सवालों को कोर्ट में चुनौती दी गई है। आपत्तियों पर लगाया गया शुल्क, देखिए दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर मिली आपत्तियों से परीक्षा संस्था ही नहीं शासन तक असहज रहा। इसलिए दोस्तों यूपी टेट 2019 का आयोजन हुआ तो प्रति सवाल आपत्ति करने के लिए 500 रुपये शुल्क लगाया गया, और इसमें यह भी प्रावधान किया गया यदि अभ्यर्थी की आपत्ति सही होगी तो लिया गया धन वापस भी कर दिया जाए। तो कहने का मतलब दोस्तों ये था कि जो यूपी टेट 2018 में तो दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता था, लेकिन 2019 में इसलिए पैसा लगा दिया गया आपत्ति करने के लिए, क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में आपत्ति होने लगी थी। अब एक और अपडेट को हम दोस्तों देखेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ठीक है ना। अब दोस्तों इनके फर्जीवाड़े का आपने देख लिया, डॉक्टर पटेल का व्यापक घोटाले में भी आया था नाम, तो अब दोस्तों क्या होगा ये सब चीजें अब देखने वाली बात होंगी ठीक है। अभी पूरी अपडेट्स को हम देखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के 142 प्रश्नों पर आई थी 20,000 आपत्तियां, और कांग्रेस ने 69,000 शिक्षक भर्ती में लगाया धांधली का आरोप। अब दोस्तों कांग्रेस का आरोप पहले हम देखते हैं। कांग्रेस ने 69,000 शिक्षक भर्ती में धांधली और अनियमितता का आरोप लगाते हुए चयन सूची और जिला आवंटन सूची अलग अलग जारी करने की मांग की है। प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि चयन सूची में कई तरह की अनियमितताएं आ रही हैं। तो दोस्तों ये बात बड़ी है, कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इनकी बात को सही माना जाए और दोस्तों जो ये इनकी डिमांड है उनको पूरी किया जाए। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए कोर्ट ने दोस्तों क्या कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में गलत फॉर्म भरने वालों को राहत नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा यह मानवीय भूल नहीं, जानबूझकर की गई गलती है। देखिए जो छात्र यहाँ पर कम गुणांक पढ़ते तो सिंपल सी बात है उनको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि अधिक गुणांक वाले छात्र जो छोटी मोटी गलती के चक्कर में बाहर हो जाएंगे, तो फायदा तो कम गुणांक वाले छात्रों को ही मिलेगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों की त्रुटि को मानवीय भूल मानकर उसमें संशोधन की अनुमति का आदेश देने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट ने ऑनलाइन आवेदन भरने में त्रुटि करने वाले 5 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि त्रुटियों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे मानवीय त्रुटि नहीं बल्कि जानबूझकर की गई गलतियां हैं। यह आदेश दोस्तों न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने आशुतोष कुमार श्रीवास्तव व 60 अन्य की याचिकाओं पर दिया है। याचिकाओं में कहा गया था कि याचियों ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। उसके बाद 6 जनवरी 2019 को परीक्षा हुई और 12 मई 2020 को परिणाम घोषित किया गया जिसमें याची सफल रहे। और दोस्तों यहां पर यह भी कहा गया कि याचियों से ऑनलाइन आवेदन भरते समय कुछ त्रुटियां हो गई थी। किसी अभ्यर्थी ने बीएड के प्रैक्टिकल व थ्योरी के नंबर गलत भर दिए थे तो कुछ बीएड का रोल नंबर गलत डाल दिया। याचियों का कहना था कि यह मानवीय त्रुटि है। यह भी तर्क दिया गया कि कुछ गलतियां फॉर्म भरने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों से हुई है। कोर्ट ने कहा कि इन गलतियों को देखने से ऐसा नहीं लगता कि यह मानवीय त्रुटि है। याचियों के आवेदन पत्र में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही भरना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रतियोगी परीक्षाओं से सर्वश्रेष्ठ योग्यता वाले अभ्यर्थियों का चयन होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गलतियां ऑपरेटरों की वजह से हुई है, यह तर्क स्वीकार नहीं है। लेकिन दोस्तों ये बात तो सही है, इसमें दोस्तों कोई हम मतलब ये इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए था कोर्ट को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोस्तों या किसी भी जिले में आप देखते होंगे किसी भी राज्य में मैक्सिमम दोस्तों जो फॉर्म भरे जाते हैं वो साइबर कैफे से ही भरा जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो मैक्सिमम फॉर्म ऐसे होते हैं ना कि कुछ छात्र होता है कि अपने डॉक्यूमेंट छोड़कर चले जाते हैं और रात में दोस्तों उसमें आपको पता था वेबसाइट डाउन चल रही थी। लेकिन जो हुआ दोस्तों ये आपके सामने, फिलहाल कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि दोस्तों जो ये गलतियाँ हुई हैं वो ऑपरेटरों की वजह से हुई है। ये तर्क दोस्तों यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों ये बात तो काफ़ी हद तक सही, अगर आप खुद भी जाएंगे मार्केट में तो आप खुद देखेंगे जो मैक्सिमम फॉर्म भरे जाते हैं वो साइबर कैफे से ही भराए जाते हैं। अब दोस्तों एक और बात करेंगे 69,000 में, देखिए कसौटी पर 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी परीक्षा, हो सकते हैं बड़े बदलाव। UGC के विशेषज्ञ जांचेंगे 150 में से 142 सवाल के उत्तर। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कुछ भी छोड़िएगा मत। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में पूछे गए नाथ पंथ के प्रवर्तक संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जैसे सवालों को भूल जाइए। अब भर्ती की लगभग पूरी लिखित परीक्षा के सवाल जवाब की पड़ताल होनी है। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंतरिम आंसर शीट, ठीक है, उत्तर कुंजी पर दोस्तों मिली आपत्तियों के जांच के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट के आदेश का पेज संख्या 33 का अंतिम पैरा, उस समय 142 सवालों पर 20,557 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आपत्तियां भेजी थी। ज्ञात हो कि लिखित परीक्षा में कुल दोस्तों 150 सवाल पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको भी हंसी आ जाएगी यार, 150 में से 142 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन, मतलब दोस्तों यहाँ पर गणित के सवालों को भी नहीं छोड़ा गया, मतलब सब के सब को लपेट दिया गया। ऐसे में दोस्तों क्या होगा आप देखिए, ऐसे में बड़ी संख्या में सवालों के जवाब बदल सकते हैं। अधिक सवालों के जवाब बदलने पर पूरी परीक्षा ही संकट में आ सकती है। बेसिक शिक्षा परिषद के मतलब प्राथमिक स्कूलों की 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 6 जनवरी 2019 को कराई गई थी। 8 जनवरी को उसकी उत्तर कुंजी जारी करके 11 जनवरी तक आपत्तियां मांगी गई थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को 3 दिन में ही 142 सवालों पर 20,000 से अधिक आपत्तियां मतलब अभ्यर्थियों ने भेज दी। अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने से पहले कोर्ट ने कटाप अंक विवाद में स्थगनादेश जारी कर दिया। इसमें मतलब दोस्तों इससे अंतिम उत्तर कुंजी 8 मई 2020 को जारी हुई और उसके आधार पर भर्ती का रिजल्ट और जिला आवंटन सूची आदि निर्गत हुई। हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने बुधवार को जारी आदेश में इस स्थगनादेश को दोस्तों 8 मई से ही लागू कर दिया है। वजह यह है कि दोस्तों कोर्ट उससे पहले मिली आपत्तियों की जांच रिपोर्ट चाहता है। इस प्रक्रिया में लंबा समय लगने से इनकार नहीं किया जा सकता। ज्ञात हो कि भर्ती के कटाफ अंक का विवाद कोर्ट में करीब 1.5 साल से विचाराधीन रहा। 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर मिली आपत्तियों से परीक्षा संस्था ही नहीं शासन तक असहज रहा। इसलिए दोस्तों जब UPTET 2019 का आयोजन किया गया तो प्रति सवाल आपत्ति करने के लिए ₹500 का शुल्क लगा दिया गया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सी बातें खड़ी हो जाएंगी, अगर इतनी बड़ी संख्या में आपत्ति का मतलब आप समझ रहे हैं 142 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, सारी NCERT SCERT बुक्स को मतलब खंगाला जाएगा, निकाला जाएगा कि कौन से दोस्तों क्वेश्चन कहाँ थे, क्योंकि UGC की दोस्तों जो रिपोर्ट आएगी अब कोर्ट भाई मांगा है तो मतलब इसमें गलती की मतलब कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। हो सकता है कि 142 क्वेश्चन के लिए 142 पैनल गठित कर दिया जाए कि एक भी क्वेश्चन पर दोस्तों गलतियां ना होने पाए। ये दोस्तों जो रिपोर्ट होगी वो फाइनल रिपोर्ट होगी और उसके आधार पर फिर दोस्तों आगे का प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन अभी आपको लग रहा था होगा कि 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ मामला बहुत ही बड़ा है। अब मामला दोस्तों यहाँ पर यह आके फंसेगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं
कि जिसके मतलब आंसर अलग अलग किताबों में एनसीईआरटी या सीईआरटी में डिफरेंट होने पर ज्यादा क्वेश्चन के दोस्तों अगर मानते हैं कि हम लोग मान के चलते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन के विकल्प चेंज होंगे ना, तो फिर दोस्तों इस परीक्षा को रद्द करा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है। अब दोस्तों आपने रद्द होने का आधार देख लिया कि यार 142 क्वेश्चन पर आपत्तियां दर्ज हुई थी। अब यूजीसी दोस्तों कितने क्वेश्चन पर इसकी मतलब निस्तारण कर पाएगा दोस्तों, या बता पाएगा कि भाई कौन सा क्वेश्चन सही है कौन सा क्वेश्चन गलत है। अब जरा इस अपडेट को भी हम देख लेते हैं कि फिलहाल सरकार दोस्तों भर्ती रोक के खिलाफ विशेष अपील हाईकोर्ट में दाखिल कर चुकी है। प्रसदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती पर अंतरिम रोक लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के खिलाफ सरकार ने गुरुवार को हाई कोर्ट में विशेष अपील दायर कर दी है। महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह की अगुवाई में अधिवक्ताओं की टीम बुधवार से ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष अपील दाखिल करने की तैयारियों में जुटी थी। गुरुवार को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में विशेष अपील दाखिल कर दी गई। सूत्रों ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग की कोशिश है कि सुनवाई के लिए दोस्तों जल्द से जल्द तारीख मिल जाए। गौरतलब है कि जस्टिस आलोक माथुर की एकल पीठ ने बुधवार को 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश पारित किया था। एकल पीठ का यह आदेश उस पेज मतलब उस रोज आया जिस दिन दोस्तों काउंसलिंग शुरू होनी थी और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाने थे। लिहाजा सरकार ने तत्परता दिखाते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच में विशेष अपील दाखिल जो विशेष अपील है दोस्तों उसको दाखिल करने में कतई भी देर नहीं की। तो दोस्तों चलिए ठीक है, सरकार भी छात्रों के लिए काम कर रही है कि सोच रही है जल्द से जल्द दोस्तों नौकरियां मिले। अब देखिए जो फर्जी वाड़े के आरोपी पकड़े गए उनका नाम भाई व्यापक घोटाले में आया था। जरा इस अपडेट को देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पकड़ा गया डॉक्टर कृष्ण लाल पटेल और उसके साथी का नाम व्यापक घोटाले में भी आया था। गुरुवार को मुकदमा दर्ज होते ही एसएसपी की टीम ने घेराबंदी करके डॉक्टर पटेल को हिरासत में ले लिया। पूछताछ शुरू हुई तो पता चला कि एक ठीक है सीएससी में तैनात डॉक्टर पटेल के कई कॉलेज हैं। तब उसकी संदिग्ध गतिविधियों पर उसकी सैलरी तक रोक दी गई। शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा खुलासा करने के लिए एसएसपी अशोक वेंकटेश, एसएसपी अनिल यादव और क्राइम ब्रांच को भी लगा दिया गया। डॉक्टर पटेल की गिरफ्तारी के बाद पता चला कि उसका एक साथी फरार है जो व्यापम घोटाले में भी संदिग्ध था। इस फर्जीवाड़े में पकड़ा गया एक आरोपी आलोक खाद्य एवं रसद विभाग में तैनात है। पुलिस ने छापेमारी की तो आलोक के पास से कई प्रमाण पत्र और चेक मिले हैं। पुलिस को यह पता मतलब पुलिस से दोस्त यह पता लगा रही है कि इस खेल में और कौन कौन लोग शामिल हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर केएल पटेल के खिलाफ अभ्यर्थियों ने शुरू में ही आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने क्षेत्र के कुछ अभ्यर्थियों की सेटिंग करके ज्यादा अंक दिलाए। पीड़ित राहुल ने जब सोराव थाने में गुरुवार को डॉक्टर पटेल समेत 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो पुलिस की कार्रवाई में कई राज खुल गए। देखिए भाई, एक अभ्यर्थी ने हिंदुस्तान को यह भी बताया कि दोस्तों दिसंबर 2018 में टेट में कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 70-80 नंबर पाए थे। एक महीना बाद दोस्तों जनवरी 2019 में जब अभ्यर्थी की परीक्षा हुई तो उन्हीं के अभ्यर्थियों के 140 या उनसे अधिक नंबर मिले। फिलहाल दोस्तों टेट में 70-80 नंबर यहां से बढ़ाकर कुछ और बढ़ा दीजिए ताकि दोस्तों वो पासिंग मार्क तक पहुंचे, क्योंकि जो टेट में पास होगा वही 69,000 में सम्मिलित हो सकता था। ऐसे 34 ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हुआ है जिन्होंने 140 या उससे ज्यादा नंबर पाए। सवाल उठना स्वाभाविक है कि टेट में इतना कम नंबर पाने वाला एक महीने में ऐसे कौन सी पढ़ाई कर ली कि वह टॉपर की सूची में शामिल हो गया। आरोप लगाने वाले छात्रों की माने तो सौरव बहरिया और करसेना के अभ्यर्थियों का नाम ही टॉपर लिस्ट में है। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं। और देखिए, पूर्व जिला पंचायत सदस्य है आरोपी, ठीक है, ये सब भी दोस्तों बात। अब क्या बातें करते हैं और भी दोस्तों चीजें देखेंगे 69,000 में। तो फिलहाल दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये सब चीजें दोस्तों चल रही। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में गुरुवार को अपील दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। विभाग की तरफ से जल्द सुनवाई के लिए तारीख लेने का प्रयास किया जाएगा ताकि स्थगनादेश हटवाया जा सके। यह जानकारी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने दी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसमें लगभग आधा दर्जन सवालों को लेकर विवाद है। हालांकि यूपी में लिखित परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर को लेकर विवाद नया नहीं है। इससे पहले 268,500 शिक्षक भर्ती में लगभग एक दर्जन सवालों पर खूब विवाद हुआ। वही शिक्षक भर्ती से पहले हुई टेस्ट 2018-19 में विवाद कम नहीं हुए। इन परीक्षाओं में भी एक दर्जन सवालों को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचा था। ठीक है दोस्तों, तो ढेर सारी अपडेट्स आप देख रहे होंगे। देखिए, हर परीक्षा में प्रश्न और उनके उत्तर पर उठते हैं सवाल। शिक्षक भर्ती, शिक्षक पात्रता परीक्षा विवादों के बाद भी भर्ती संस्थाओं ने नहीं उठाया कोई भी जरूरी कदम। दोस्तों कुछ बड़े कदम उठाए जाते तो आज ऐसा नहीं होता।
तो देखा दोस्तों आज हमने ढेर सारी अपडेट्स को आपको बताई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों परीक्षा में धांधली कितने बड़े स्तर पर हुई है ये बात अब आप समझ गए होंगे। अगर आज आपका नाम जिला आवंटन सूची में नहीं आता तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप इसके शिकार हुए। अगर परीक्षा में धांधली ना होती तो डेफिनेटली आपका नाम जिला आवंटन की सूची में होता। देखिए 90-97 पर पास होने वाले छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा ना होती, मतलब उतने ही छात्र पास होते जो छात्र मेहनत ज़्यादा करते, जो छात्र इसके सच में योग्य होते। लेकिन दोस्तों नंबर ऐसे बांटे गए, आप खुद देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ी संख्या में छात्र पास हैं। देखिए इस वीडियो को दोस्तों अंत में हम कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों 42 प्रश्नों पर जांच होती है, फिर से दोस्तों अगर इसमें ज़्यादा प्रश्नों पर देखिए क्वेश्चन में विकल्प चेंज या ज़्यादा क्वेश्चन गलत पाया जाते हैं तो फिर परीक्षा रद्द हो सकती है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी बात होगी, जो 3 नंबर कॉमन दिए गए थे अब उस पर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, हो सकता है कि दोस्तों आने वाले टाइम इन 3 नंबर कॉमन को हटाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, फिर जो बड़ी संख्या में छात्र पास हुए होंगे 3 नंबर कॉमन की बदौलत वो शिक्षक भर्ती से बाहर हो सकते हैं। अगली अपडेट दोस्तों ये रहेगी ओवरलैपिंग मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी के छात्रों ने ओबीसी कैटेगरी के छात्रों की सीट्स को छीन लिया। अब देखिए दोस्तों अगर ओबीसी कैटेगरी के जो कम गुणांक वाले छात्र थे, ठीक है, इस समय दोस्तों अगर वो जनरल के सीट्स में जाते, मतलब जनरल में उनको मतलब ओवरलैपिंग मौका देकर जनरल में डाल दिया जाता तो उनको अपना जिला ना मिलता। जैसे आज देख रहे होंगे 69,000 भर्ती में मैक्सिमम दोस्तों ऐसे छात्र हैं जिनको अपना गृह जनपद मिल गया, जहां वो रहते हैं वहीं पर उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा, तो छात्र भी खुश हैं। लेकिन 68,500 में दोस्तों क्या हुआ था, एक ओबीसी का छात्र दूसरे ओबीसी पर ही केस ठोक दिया गया, डाल दिया गया। उसका रीजन क्या था ना, ये था, इसको समझिए। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों आज आपके सिंपल सी आपको बता रहे हैं बिल्कुल आसान बात है, अगर आपके यहाँ 70 गुणांक है और दोस्तों आपका दोस्त ओबीसी कैटेगरी से 67 अंक का गुणांक पाया है। अब दोस्तों 70 अंक वाले गुणांक को अगर ओवरलैप करके हम जनरल में डाल देते हैं तो हो सकता है कि जिस जिले में दोस्तों जिस भी जिले में वो छात्र रहता है उस जिले की जनरल की जो कट ऑफ गई है मिनिमम वो 71 गई। तो मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, उस छात्र को अपने जिले में नौकरी तो मिलेगी नहीं, इसलिए दोस्तों उसी छात्र को उठाकर किसी दूसरे जिले में डाल दिया गया। लेकिन दोस्तों उसी जिले में जो छात्र था ये भी दोस्तों छात्र ओबीसी से ही था, ये भी छात्र दोस्तों दूसरा वाला भी ओबीसी से था। अब दूसरे वाले छात्र में क्या हुआ यार कि ये ओबीसी कैटेगरी से ही अपने जिले में दोस्तों ओबीसी की एक सीट पा गया। मतलब दोस्तों एक छात्र, क्योंकि ये देखिए हुआ क्या ना कि ये छात्र ओवरलैप तो कर नहीं पाया जनरल में, तो ओबीसी से अपने जिले में नौकरी पाया, लेकिन एक छात्र ओवरलैप करके जनरल में गया। तो पिछली बार 268,500 में स्टेट लेवल पर मेरिट बनाई गई, लेकिन सरकार ने इस बार इसमें परिवर्तन किया, कहा कि नहीं यार 70 वाला गुणांक अगर छात्र अपना ही जिला चाहता है तो पहले जनरल से देखा जाएगा, जनरल में नहीं मिला तो उसके ओबीसी से ही उसको उसका जिला आवंटित कर दिया जाए। तो हुआ क्या दोस्तों, कुछ छात्रों का नुकसान हुआ, जैसे दूसरे छात्र का, जैसे जो बच्चे 67 नंबर पाए थे 67 की जगह हम 66 करते तो 66 वाले बाहर हो गए, क्योंकि दोस्तों ओवरलैपिंग उतनी बड़ी संख्या में नहीं हुई जितनी हो सकती थी। अगर ओवरलैपिंग ज़्यादा होती तो फिर वही ओबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट अपने जिले में नौकरी पाया तो उसको कहीं और जाना पड़ता, इसमें अंतर जनपदीय तबादला नहीं है। तो छात्र भी सोच रहे हैं यार कि कम से कम हमें अपना जिला मिल जाए तो कम से कम जिंदगी तो वही कटेगी, नहीं तो दोस्तों कहीं और नौकरी मिलती तो फिर आप लाइफ टाइम आपको वही रहना पड़ेगा, मतलब वही है, घर आएंगे जाएंगे मेहमान बनकर खाली। तो आज दोस्तों काफी अपडेट हमने देखा, अब दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्या होता है, अब 142 क्वेश्चन पर भाई फिर से चेकिंग होना ना बहुत बड़ी बात होगी, समय ज्यादा लगेगा क्योंकि 142 प्रश्न कुछ होते हैं और अभ्यर्थी सोचिए मैथ के क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ा यार, गणित में क्या दिक्कत हो गई थी उनको, तो मतलब भर्ती को फंसाने का एक तरीका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों मामला डबल बेंच पहुंच चुका है, अगर दोस्तों वहां से किसी भी प्रकार का मतलब जो हाई कोर्ट का फैसला है तो उस पर रोक लगा दी जाती है तो भर्ती प्रति आगे बढ़ सकती है, लेकिन फिर तो वही होगा जो कम गुणांक वाले छात्र बॉर्डर लाइन पर है उनको मौका नहीं मिल पाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और आप लोग फिलहाल दोस्तों कुछ जिसको अगर अपना रिजल्ट अभी देखना हो ना तो उसके लिए नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों विवादित प्रश्न देखना चाहते हैं और उसके साक्ष्य देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक के माध्यम से आप उसको भी देख पाएंगे, सब कुछ कमेंट बॉक्स में नीचे लिंक ढेर सारे दिए गए और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं उसको देखिए जाके। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।